हे फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज इस वीडियो में हम चारकोल से हेयर ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम रूस्टो का चारकोल पाउडर लेंगे, उसे हम थोड़ी सी मात्रा में निकालने के बाद उसे धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है उसे। मिक्स हो जाने के बाद मैं अभी फिलहाल बैकग्राउंड हो जाने के बाद मैं अभी बैकग्राउंड में शेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद शेडिंग हो जाने के बाद टिशू पेपर से हम उसे ब्लेंड करेंगे। हल्की हाथों से ब्लेंड करना है। ब्लेंड हो जाने के बाद पेंसिल से हमें पुराने आउटलाइन के ऊपर उसे डार्क करना है, ताकि चारकोल पाउडर जब यूज़ करें तो वह हमें दिखाई दे हेयर किस डायरेक्शन में है। उसके बाद चारकोल पाउडर को अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ पास डार्क ज़्यादा है वहाँ वहाँ पास ज़्यादा डार्क करना है, और जहाँ पास डार्क कम है लाइट एरिया में थोड़ा कम मात्रा में अप्लाई करना है चारकोल पाउडर। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। डार्क एरिया में डार्क कर रहा हूँ और लाइट एरिया में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चारकोल अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद चारकोल पेंसिल से हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है। हल्की हाथों से चारकोल पेंसिल का काम हो जाने के बाद उसे एक बार फिर से हम ब्रश से ब्लेंड करेंगे। ताकि ज़्यादा लाइन लाइन ना दिखे। उसके बाद मोनो जीरो इरेजर का हम यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ पास लाइट एरिया है वहाँ वहाँ पास हम हाईलाइट देंगे। हेयर जिस तरह है उसी तरह उसी डायरेक्शन में इसको चलाना है। वाइट हेयर और लाइट हेयर जो भी है वो दिखाई देगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। यहाँ का हेयर कंप्लीट हो गया।
टाइट हेयर चालू। इधर भी सेम मेथड अप्लाई करना है, ज़्यादा डार्क एरिया में चारकोल ज़्यादा अप्लाई करो जिससे डार्क ज़्यादा हो। रेफरेंस इमेज में आप देख सकते हैं कि वहाँ हेयर में कितना डार्क है, उसी तरह मैं भी डार्क कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से सेम पेंसिल से हेयर ड्रॉ करेंगे। हेयर के डायरेक्शन में पेंसिल चलाना है धीरे 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 पूरा। उसके बाद ब्रश से उसे ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड हो जाने के बाद फिर से मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करना है। फिर से उससे वाइट हेयर और जो लाइट हेयर हैं उनको ड्रॉ करेंगे, मतलब इरेज करेंगे। मैं बीच बीच में वाइट पेंसिल का भी यूज़ किया हूँ। जहाँ जहाँ पास डार्क है वहाँ पास को एक बार फिर से डार्क कर रहा हूँ ताकि हेयर अच्छा लगे। अभी साइड का बारी, फिर से हम आउटलाइन को डार्क कर रहे हैं, चारकोल पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ, सेम इसी तरह से करना। फिर से पेंसिल का यूज करेंगे, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है ये। उसके बाद ब्रश से उसे ब्लेंड कर देना है। फिर लास्ट में फिर मोनो जीरो इरेजर। लाइट एरियाज में सबसे ज़्यादा मोनो जीरो इरेजर का यूज़ होगा, इससे बाल अच्छा भी दिखता है। रेफरेंस इमेज और जो ड्रॉ कर रहा हूँ उस इमेज को आप देख सकते हैं। सर मैं मात्र चारकोल पेंसिल से ही हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है। अब आप देख सकते हैं इस तरह से हेयर ड्रॉ हुआ है।